चाय के हरे भरे बागानों से घिरा बागडोगरा नगर सिलीगुड़ी के पास बसा है और यह एक बेहद शांत परिवेश का शहर है। बागडोगरा एक रेलवे स्टेशन भी है और यहाँ से थोड़ी दूर पर ही मेची नदी के उस पार कांकरभीटा स्थित है। कांकरभीटा नेपाल का नगर है और इस तरह से बागडोगरा से नेपाल जाने का भी एक रास्ता मेची नदी से होकर गुजरता है। बागडोगरा में यहाँ के बाज़ार में छोटे बड़े कई होटल्स आपको दिखाई देंगे और यहाँ दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा पर जाने वाले यात्री अपनी रातें बिताते हैं। बागडोगरा उत्तर बंगाल का एक बहुत ही प्रमुख नगर है। सिलीगुड़ी इसके पास ही स्थित है और यह बागडोगरा का मुख्य बाजार है। बागडोगरा का वायुसेना स्टेशन भी बहुत ही सुंदर है और यहाँ भारतीय सेना के दूसरे अन्य सैनिक केंद्र भी स्थित हैं और इस तरह से यह नगर एक महत्वपूर्ण नगर है। यहाँ की आबोहवा काफ़ी अच्छी है और नक्सलबारी स्टेशन भी बागडोगरा के पास ही स्थित है। नक्सलबारी एक छोटा सा गांव है जो किसानों के विद्रोह के कारण 1970 वगैरह के आसपास में सारे देश में चर्चा का केंद्र बना और इसी जगह से नक्सलबारी आंदोलन का नाम भी जुड़ा हुआ है। बागडोगरा से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। बागडोगरा के चाय बागान, मैं अपनी इस कविता को लेकर प्रस्तुत हूँ। बागडोगरा के चाय बागान कितने सुंदर हैं। यह शहर हरे भरे चाय बागानों से घिरा है और यहाँ से दार्जिलिंग की हिमाद्रित चोटियाँ बहुत दूर नहीं हैं। यहीं से शुरू होती है हमारे देश की यात्रा।